हाय, मैं हूँ सुरभि। अनुपम आहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत इजी और बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी, गार्लिक ब्रेड, और वो भी चीज़ डिप के साथ। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए गार्लिक ब्रेड विथ चीज़ डिप बनाना स्टार्ट करते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी मात्रा में गार्लिक यानी लहसुन ले ली है। अब इन्हें या तो पतला पतला चॉप कर लें या फिर कूट लेते हैं। अब एक बाउल ले लिया है, उसमें 4 से 5 स्पून बटर ले लिया है और जो लहसुन कूटी हुई थी वो डाल देते हैं। इन्हें मिक्स कर देते हैं। अब डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ती कटा हुआ इसमें, धनिया पत्ती डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगेनो पाउडर डाल देते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में सॉल्ट डाल देते हैं क्योंकि बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में सॉल्ट डाल देते हैं और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ब्रेड की स्लाइस ले लेते हैं और इस मिश्रण को इस ब्रेड स्लाइस पर अप्लाई करेंगे। तो इस बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, चारों तरफ से फैलाकर दोनों ब्रेड की स्लाइस पर इसे अप्लाई कर देते हैं। अब दोनों ब्रेड स्लाइस पे मैंने बहुत अच्छे से ये मिश्रण स्प्रेड कर दिया है। अब हम एक स्लाइस पर चीज़ ग्रेट करके डाल देते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में चीज़ इसमें ब्रेड ग्रेट करके डाल दिया है। अब जिस दूसरी ब्रेड के स्लाइस पर जिस पे हमने ये मिश्रण अप्लाई किया था, इस ब्रेड को हमें इस ब्रेड के ऊपर इस तरह से रखना है। ये देखिए, अब गैस पर एक पैन गर्म होने रख दिया है और जिस साइड से हमने ये मिश्रण लगाया हुआ है वो साइड हमें पैन पर रखना है और इसे सिकने देते हैं। अब ये दूसरा वाला ब्रेड का साइड जो है, इस पे हमारा ये कुछ भी मिश्रण लगा हुआ नहीं है, तो जो हमने ये बनाया हुआ है बटर का मिश्रण, ये हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं अच्छे से। ये बटर का गार्लिक मिश्रण मैंने ब्रेड के ऊपर साइड भी लगा दिया है। अब इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के हम 2 मिनट के लिए सिकने देते हैं ताकि ये बहुत अच्छा कलर आ जाए। अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ढकते टाइम हमें गैस सिम करनी होगी। अब हम इसका साइड पलट के देख लेते हैं। बहुत बढ़िया सीख के तैयार हो गई है। अभी हमें गैस सिम ही रखना है और दूसरी साइड भी हमें सेक पकाना होगा अच्छे से, तो हम फिर से 1 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, गार्लिक ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गार्लिक ब्रेड को प्लेट में निकाल लिया है। ऊपर से हम थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती लगा देते हैं और थोड़ा सा ओरिगेनो पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। ये हमारी गार्लिक ब्रेड बनकर बिल्कुल रेडी है। अब चीज़ डिप बना के तैयार कर लेते हैं। चीज़ डिप बनाने के लिए मैंने गैस पर एक बर्तन गर्म होने रख दिया और मैं 1 स्पून उसमें बटर डाल रही हूँ। बटर के मेल्ट होते ही 1/2 कप दूध डाल देते हैं। दूध में बॉईल आने देते हैं पहले। दूध में बॉईल आ गया है तो इसमें 1 स्पून डाल देते हैं मिल्क पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब डाल देते हैं इसमें अच्छी काफ़ी क्वांटिटी में चीज़, और चीज़ हमें इसे अब पकाना नहीं है। चीज़ डालने के बाद सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने तक ही हमें इसे 1 मिनट के लिए हिलाते हुए बस पकाना है। चीज़ मेल्ट हो गई है, बस गैस ऑफ कर देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं, फिर गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। गार्लिक ब्रेड और चीज़ डिप दोनों हमारे रेडी है। सर्व करते टाइम हम थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड पर चीज़ और स्प्रेड कर देते हैं ऊपर से। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम इसके पीसेस कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी यम्मी ब्रेड बन के तैयार हुई है। इसके मैं आपको पीसेस दिखा रही हूँ, ये देखिए। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से गार्लिक ब्रेड ज़रूर बना के देखें। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी ही मिलते कोई नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।